दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक के तरफ से जो मिलता है इजी बाइक कार्ड, वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे और आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ यहां पर डिटेल में बात करेंगे। आपको यहां पर पर्सनल लोन्स भी दिए जाते हैं। पहले हम इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन का इंटरफेस क्या है। ये है एप्लीकेशन का इंटरफेस, जैसा कि यहां पर देख सकते हैं। कुछ परमिशन भी आपसे मांगे जाएंगे, जिसमें कि SMS स्टोरेज के लिए सब परमिशन आपको देना होगा, लोकेशन के लिए परमिशन देने होंगे। उसके बाद अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और नीचे से डन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोबारा डाउनलोड लेटर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन हमारे फोन में इंस्टॉल होने के बाद, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। आप यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक के पहले से कस्टमर हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं, अगर लोन कस्टमर हैं। ऐसे में यहाँ पर आपको कई तरह का प्रोडक्ट फीचर देखने को मिल जाता है। नीचे आप देख सकते हैं अप्लाई लोन का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख पाएंगे पर्सनल लोन्स इजी बाइक कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। हालांकि इसके अलावा कई तरह के आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है बाय नाउ पे लेटर विद इजी बाइक कार्ड, जो कि ये IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा आपको मिलता है। किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं है, नो कॉस्ट EMI के ऊपर ये आपको वर्चुअली कार्ड देखने को मिलता है। इंस्टेंट पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप टू 5,00,000 रुपए तक का क्रेडिट लिमिट आप पा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोन अप्लाई करके भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से ये काम करती है। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के तौर पे क्या क्या रेडी रखना होगा, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है पैन कार्ड और आधार कार्ड होने चाहिए। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, तभी आप आधार OTP के बेस पे इंस्टेंट KYC कर सकेंगे। आपको ये बता देना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये आपके शहर में IDFC फर्स्ट बैंक होनी चाहिए। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो हो सकता है आगे का प्रोसेस आपको नहीं करने देगा या फिर आगे का प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लोन अप्लाई करने से पहले, कार्ड पाने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे शहर में भी IDFC फर्स्ट बैंक नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूं, फिर भी मैं आपके लिए यहां पर प्रोसेस अप्लाई करके देखने वाले हैं कि किस तरह से ये ऐप काम करती है या फिर किस तरह से हम IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से इजी बाइक कार्ड ले सकते हैं और नो कॉस्ट EMI के ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं। तो 5,00,000 रुपए तक का इंस्टेंट क्रेडिट लाइन यहां पर मिलने वाली है। तो वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे। अब यहां पर लाइव स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि किस तरह से अप्लाई करने होते हैं और प्रोसेस क्या देखने को मिलेगा। आपके सामने सारी चीज डिटेल लाइव ही यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे। आगे बढ़ने के लिए लेट्स गेट स्टार्ट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे में आपको सबसे पहले यहां पर मोबाइल नंबर देना होगा, नीचे से कंसेंट देंगे और इस तरह से सारी चीज डिटेल आपको पढ़ लेना है। आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर दोस्तों देनी होगी 499 रुपए। जब आपको यहाँ पर कार्ड की अप्रूवल मिल जाती है तो 499 रुपए आपको यहाँ पर देनी होगी वन टाइम के लिए। और साथ ही साथ आपको नीचे में देखने को मिलेगा इजी बाइक कार्ड की जो फी है एनुअल फी, आपको 99 रुपए अलग से देने होंगे पर ईयर। तो ये चीजें आप पहले देख ले, समझ ले। और 499 रुपए तो आपको देने ही होंगे, जो कि ये रिफंडेबल नहीं होगा जब आपकी कार्ड अप्रूवल हो जाती है। तो नीचे से एग्री वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर सहमत है तो नीचे से प्रोसीड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर 6 डिजिट का पासकोड OTP कोड जाएगा, इसे इस तरह से वेरीफाई कर लीजिएगा। आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप पैन कार्ड का फ्रंट कॉपी अपलोड कर सकते हैं या फिर इंटर कर सकते हैं पैन नंबर। मैं यहाँ पर पैन नंबर इंटर कर देता हूँ और नीचे से सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा आधार EKYC यहाँ पर दोस्तों होने वाली है पेपरलेस। यहाँ पर कंसेंट देंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आधार ई वेबसाइट की तरफ, ताकि यहाँ पर फुल KYC यानी EKYC आधार OTP के बेस पर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो ऐसे में आप यहाँ पर आधार OTP के बेस पर KYC कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहते हैं, यहाँ पर कभी न कभी आधार की वेबसाइट काफी स्लो होते हैं तो इस तरह से एरर फेस करना पड़ सकता है। दोबारा आप यही प्रोसेस यहाँ पर दोस्तों करेंगे, दोबारा यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आधार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएंगे जिसमें कि वो अपने आधार का सारे डिटेल फिलअप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आधार की वेबसाइट ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर आधार नाम
नंबर या फिर वर्चुअल आईडी आप एंटर करेंगे और नीचे आपको जो कैप्चा देखने को मिल रहा है आप इस कैप्चा को सही सही तरीके से फिलअप करेंगे और नीचे से सेंड ओटीपी के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो उस पर 6 डिजिट का पासकोड जाएगा। आप कुछ इस तरह से फिलअप करेंगे, एंटर करेंगे शेयर कोड जिसमें कि नॉर्मल 1 2 3 4 एंटर कर सकते हैं और नीचे से वेरीफाई वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके यहाँ पर दोस्तों फुल KYC हो जाती है और ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आधार के सारे डिटेल यहाँ पर फैच कर लिया गया है डेट ऑफ बर्थ और करंट एड्रेस के साथ। नीचे कंफर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा, उसके बाद मेल आईडी आप देंगे, उसके बाद नीचे से नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं अंडर प्रोसेस में है, हमें यहाँ पर वेट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके सामने सारे चीज डिटेल दोस्तों यहाँ पर लाइव ही कर रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारे शहर में IDFC फर्स्ट बैंक की सर्विस नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। अगर ये करंट एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर यस करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा एम्प्लॉयमेंट टाइप। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में। अगर आप यहाँ पर सैलरीड प्रोफेशनल है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो आप है आप वही एंटर करेंगे एक्यूरेट तरीके से। कंपनी नेम, आपकी एनुअल इनकम क्या है, ऑफिस एड्रेस क्या है, यानी ऑफिस आपकी किस एड्रेस पे है, वो आपको यहाँ पर सारी चीज डिटेल फिलअप करना होगा। सही सही तरीके से फिलअप करें, अपने हिसाब से चूज करें कि आप सैलरीड प्रोफेशनल हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। कंपनी नेम, एनुअल इनकम और ऑफिस एड्रेस फिलअप करने के बाद आगे बढ़ेंगे और नीचे से प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं अंडर रिव्यू में है। और फाइनली यहाँ पर हमने एप्लीकेशन द्वारा सबमिट कर लिया गया है। अब यहाँ पर हमें वेट करना होगा, वेरिफिकेशन यहाँ पर दोस्तों हो रही है। यहाँ पर हो सकता है हमें किसी प्रकार का अप्रूवल मिल सकता है, किसी भी लिमिट का अप्रूवल यहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे फिलहाल यहाँ पर टाइमर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि आप मुझे अप्रूवल भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। आपके सामने सारे चीज डिटेल दोस्तों यहाँ पर लाइव ही कर रहे हैं। एक लाइक तो दोस्तों यहाँ पर बनता है क्योंकि आपके सामने सारे चीज डिटेल दोस्तों लाइव ही कर रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मैंने यहाँ पर नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों, आपके बिहाफ के ऊपर ये दोस्तों वीडियो बनाई जा रही है। ऊपर में आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि कांग्रेचुलेशन करके कुछ मैसेज आ रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कोई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से एप्लीकेशन ये बैक हो चुकी है। मैसेज बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन डियर कस्टमर, यू आर एलिजिबल टू रिसीव आवर एक्सक्लूसिव इजी बाइक कार्ड। यहाँ पर कुछ इस तरह से इन्होंने बताया है कि 40 से 45 दिन के अंदर में आप किसी भी लिमिट के लिए ऑफर यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर दोबारा हम इजी बाइक कार्ड का ऑप्शन चूज करेंगे, दोबारा लेट गेट स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी मैंने नंबर दिया था वो सारे प्रोसेस दोबारा हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से एप्लीकेशन ये बैक हो चुका है। दोबारा यहाँ पर लॉग इन करेंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे अब यहाँ पर सामने आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, हेलो अमित, कांग्रेचुलेशन, यू आर ऑलरेडी ए प्राउड इजी बाइक कार्ड कस्टमर। अब नीचे में प्रोसीड टू लॉग इन के ऊपर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन दोस्तों करना होगा और इस तरह से मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको दोस्तों लॉग इन कर लेना है। दोस्तों दिए गए नंबर पे ओटीपी कोड आएगा, ओटीपी कोड आप फिलअप करेंगे और साइन इन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस तरह से आप यहाँ पर दोस्तों लॉग इन हो जाएंगे। दोस्तों नीचे में माई लोन का सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हमारी जो इजी बाइक कार्ड है कुछ इस तरह से कार्ड देखने को मिल रहा है जो कि IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। लेकिन यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई लिमिट देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में क्यों ऐसा हो रहा है, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारे एरिया में ये बैंकिंग सर्विस नहीं है और इसी कारण से इस तरह की चीजें दिखाई जा रही है। किसी प्रकार का कोई लिमिट नहीं है पर वर्चुअल कार्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको ये भी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, अगर आपके एरिया में IDFC फर्स्ट बैंक होगा तभी आप अप्लाई करिएगा, नहीं तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करिएगा। ऐसे में हमें क्या कहा जा रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन्होंने यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है कि यू कैन यूज द इजी बाइक कार्ड एट द नियरेस्ट ऑथराइज्ड IDFC फर्स्ट बैंक डीलरशिप बाय द सिंपली प्रोवाइडिंग योर कार्ड। अब इस कार्ड के जरिए से या फिर इस कार्ड को लेकर या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आपको जाना होगा और आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम फिजिकली आपको इनके डीलर या फिर ऑथराइज IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा जो इनके डीलरशिप होंगे, चाहे कोई शॉप होगा तो वहां से आपको परचेस करना होगा। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट आप बाय कर लेते हैं तब जाके आपके कार्ड की लिमिट शो होना शुरू होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें जानकारी मिल चुकी होगी कि किस तरह से आपको कार्ड के लिए अप्लाई करना है। जब आपको कार्ड मिल जाते हैं तो आपको ये लिंक मिल जाएगी जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, इनके लेंडिंग पार्टनर जो है IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC, कोटक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, कई तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उस कार्ड के जरिए से शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं तो
आपको इन्हीं वेबसाइट के ऊपर आना होगा जो कि इंस्टा क्रिएट के नाम से है। हालांकि इनके वेबसाइट के ऊपर ही सारे ये प्रोसेस काम होंगे। वही नंबर के साथ यहाँ पर सेंड ओटीपी के साथ वेरिफिकेशन कंप्लीट करिए और यहाँ पर शॉपिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे कार्ड को यहाँ पर कार्ड की लिमिट यहाँ पर दोस्तों नहीं दिखाई जा रही है, वैसे में फिलहाल हमारे कार्ड शो नहीं हो रहे हैं। हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पर डीलरशिप से कॉन्टेक्ट करना होगा, कोई प्रोडक्ट को पहली बार हमें फिजिकली तरीके से बाई करना होगा, उसके बाद हमारे कार्ड की लिमिट होगी। तो इस तरह से दोस्तों फिलहाल मेरे केस में, क्योंकि हमारे शहर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर्विस बिल्कुल नहीं है, इसी कारण से इस तरह से हो रहा है। अगर आपको लिमिट मिल जाती है इजी बाई कार्ड की तरफ से तो आप इंस्टा क्रिएट वेबसाइट के ऊपर आके आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।